Dear students, today we will see the difference between a number of and the number of. Clear? Many students get confused into the matter. See, a number of difference between a number of and the number of. See here, इनमें खास बात यह है, देखिए यहां पे ए नंबर ऑफ, ये चीज हमें पकड़ लेनी चाहिए, ए नंबर ऑफ। इसके बाद में प्लूरल नाउन आता है, कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन, क्लियर। और वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब, क्लियर। ये चीज यहां पे थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं द नंबर ऑफ, क्या देखते हैं? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल आता है, बड़ी अद्भुत बात यह है, प्लूरल नाउन। और वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब, ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल जो हिंदी भाषी लोग हैं वो बड़ी आसानी समझ लेंगे। इसका सेंस होता है, ए नंबर ऑफ का सेंस होता है बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। इसका नंबर होता, इसका अर्थ होता है की संख्या, क्लियर। फार्मूला ये हमने लिख दिया है। अब हम सेंटेंस देखते हैं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया, आर स्टडीइंग ऑनलाइन, ठीक है। ये एग्जांपल ले लें जो आप लोग कर रहे हैं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ऑनलाइन, बहुत सारे छात्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, इसको देखिए, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहां पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या सेंस निकलेगा? छात्रों की संख्या। और वैसे भी 200 एक नंबर है, क्या है? जैसे 1 एक नंबर है, 0 एक नंबर है, ऐसे 200 एक क्या है? नंबर है, मतलब एक संख्या है। तो इसके लिए यहां पर क्या हो जाएगा? जब एक ही संख्या है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, क्लियर। ये इसके जो दूसरे नाउन एंड नंबर, क्या कहें, जो सब्जेक्ट का नंबर बताने वाली बातें हैं, ये पूरी सीरीज इसमें आपको मिलेगी देखने को एक के बाद एक, उसमें ये चीज फिर से आ जाएगी, जहां पे प्लूरल नाउन होने का हमें जो है इल्यूजन होता है, लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर का भ्रम होता है, तो वास्तव में वो प्लूरल हो जाता है। किस तरह से हो जाता है, वी विल सी इन कमिंग वीडियोज। क्लियर, थैंक यू।